हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। अगर आप 30 प्लस हो या फिर उस एज के आसपास हो एंड या आपके एजुकेशन में कोई गैप है या वर्क एक्सपीरियंस में कोई गैप है और अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हो ऑन एन एजुकेशन वीजा क्योंकि आपके पीआर के पॉइंट बन नहीं रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। रीसेंट रूल्स काफी ज्यादा चेंज हुए कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे पीछे दिख जाएगी। बट उसकी जिस्ट ये है कि अब सिर्फ मास्टर्स करने वाले लोगों को 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा एंड आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि मास्टर्स करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड वी विल जंप राइट इनटू दिस वीडियो। एंड आपको आज हमारे वीडियो में एक मेहमान दिखेगा, ये ईवी है एंड शी इज अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे एंड यू विल सी हर मोर इन द वीडियोस नाउ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मास्टर्स का जो कोर्स है उसके 3 फायदे हैं। सबसे पहला कि कोई उसमें कैप नहीं है। आपको ये पता चल गया होगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो रूल्स हैं उसमें अब ऐसे चेंजेस आए हैं कि हर किसी प्रोविंस के लिए उन्होंने कैप्स दे दिए हैं कि फॉर एग्जांपल ऑन्टारियो के लिए डिफरेंट कैप है, न्यू ब्रंसविक के लिए डिफरेंट कैप है, ब्रिटिश कोलंबिया के लिए डिफरेंट कैप है। बट ऐसा उन लोगों के लिए नहीं होगा जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मास्टर्स के लिए कोई कैप नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे तो उसके हाई अप्रूवल चांसेस है, जो कॉलेज डिप्लोमा के लिए आते हैं उन लोगों के लिए उतने ज्यादा हाई अप्रूवल चांसेस नहीं होते। सो उनको अगेन फाइल करना पड़ता है, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो मास्टर्स का ये भी एक फायदा है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि 1 साल का मास्टर भी आपको अब 3 साल का वर्क परमिट देगा। ये रूल पहले नहीं था, पहले 1 साल का मास्टर्स आपको 1 साल का वर्क परमिट देता था, बट नाउ यू कैन गेट 3 इयर्स ऑफ PGWP इफ यू गो फॉर 1 ईयर ऑफ मास्टर्स इन कैनेडा। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग अ PR इन कैनेडा एज वेल, क्योंकि इतने ज्यादा पॉइंट बढ़ गए, CRS को इतना ज्यादा बढ़ गया, 530-540 के आसपास है। सो 3 साल का वर्क परमिट आपको हेल्प करेगा, कोई 1 साल का डिप्लोमा आपको हेल्प नहीं करने वाला। कुछ फायदे और है मास्टर्स के, वो ये है कि अगर आप मास्टर्स और आप अपने 30s में हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी हुई होगी, सो आप अपने स्पाउस को भी कनाडा ला सकते हो ओपन वर्क परमिट पे। और अगर आप कोई कॉलेज सर्टिफिकेट कर रहे हो तो अब आप ये नहीं कर सकते, रिसेंट रूल चेंजेस हुए हैं उसमें स्पाउसल वीजा वाले लोगों को अभी काट दिया गया है कनाडा गवर्नमेंट ने। सो ये भी एक मास्टर्स का फायदा है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज़ है कि अब आपको मास्टर्स लेने के लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि अगर आप कॉलेज डिप्लोमा लोगे तो आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो अटेस्टेशन नहीं है तो आपको वीज़ा लेने में मुश्किल होगी कनाडा में। बट अब आपका ये सवाल होगा कि मास्टर्स डिग्री तो बहुत महंगी होती है, ऐसा नहीं है। कुछ मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि उतनी ही प्राइस के मिलेंगे जो कॉलेज डिप्लोमा के होते हैं। सो वो कौन से कोर्सेज होते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो अभी मैं आपको कुछ ऐसे मास्टर्स के कोर्सेज बताऊंगा जो उतने भी ज्यादा महंगे नहीं है अगर आप कनाडा आना चाहते हो। सो सबसे पहला मास्टर्स का कोर्स है मास्टर इन क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक दे रही है। इसका कॉस्ट है कोई $40,000। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आपको फाइनेंस में आना है या फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट में आना है एंड आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, इसकी फीस $40,000 है, बट अगर आपको अपना फ्यूचर इस फील्ड में देखना है देन दिस कैन बी अ वेरी नाइस मास्टर्स कोर्स फॉर यू। एंड ये सिर्फ 1 साल का है, इसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा। अब इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स है कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर नॉर्मल कोई कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में बैचलर्स होना चाहिए। अगर आपके पास हो रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर करियर इन फाइनेंस। अगला जो मास्टर्स है वो भी न्यू ब्रंसविक में है, उसका जो नाम है वो है MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक एंड ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो MBA करना चाहते हैं, MBA का स्टैम्प लेना चाहते हैं एंड कनाडा में आना चाहते हैं। एंड इस कोर्स की फीस है कोई $34,000। ये अगर आप कोर्स लोगे तो आप अपना करियर उस डायरेक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कनाडा में कितनी आसानी हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपको वर्क परमिट और दूसरे पर्क्स मिलेंगे वो तो अलग है। अब जो तीसरा मास्टर्स है वो है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में। दिस इज मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, दिस इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड इसकी फीस सिर्फ $7,000 है। तो अगर आप उन लोगों में हो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में या फिर आप डॉक्टर हो या फिर आप नर्स हो, सो आप ये कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स दैट यू विल फाइंड इन कैनेडा, इवन चीपर देन द कॉलेज डिप्लोमा। जो अगला मास्टर्स है वो है साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट इंटेलिजेंस का, दिस इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ गेल्फ एंड इसकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, विच इज $42,000।
बट अगर आपका ड्रीम है कनाडा आने का एंड कोई एक अच्छी डिग्री करने का, अच्छी मास्टर्स करने का, देन दिस कैन बी वेरी नाइस फॉर यू। एंड आपको ये तो पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, इस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, AI आ गया है, सब कुछ आ गया है, सो साइबर सिक्योरिटी की जरूरत तो हमेशा होगी ही होगी। एंड डेफिनेटली दिस कोर्स विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगला जो मास्टर्स है वो है मास्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज प्रोवाइडेड बाय मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड इसकी फीस है सिर्फ $10,000। हाँ, सिर्फ $10,000। सो अगर आपके पास साइंस का बैकग्राउंड है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है एंड आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है, देन दिस ऑप्शन कैन बी वेरी गुड फॉर यू। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो ये प्रोविंसेस है न्यूफाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक, ये प्रोविंसेस काफी कम इस वक्त पॉपुलेटेड है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कंपेरेटिवली बहुत कम है इफ यू कंपेयर इट विद ऑन्टारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया। सो इफ यू गो हेयर एंड इफ यू डू दिस प्रोग्राम, यू आर मोस्ट डेफिनेटली बाउंड टू फाइंड अ जॉब इन वेरी लेस टाइम। आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छे से मिलेगा एंड आपका PR 100% लग जाएगा। So, जैसे मैंने इनिशियली बात की थी कैप्स के बारे में, सारे प्रोविंसेस पे कैप लगा दिया गया है, बट कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जिन पे जो कैप है वो कम लगाया है, या फिर आप ये बोल सकते हो उनको फायदा मिलेगा ये बोल के कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर 20,000 स्टूडेंट आते थे, नाउ दे हैव बीन अलॉटेड अ 30,000 कैप। सो दीज आर द प्रोविंसेस, फॉर एग्जाम्पल न्यूफाउंडलैंड, क्यूबेक, सैस्केचवान एंड अल्बर्टा। एंड अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो इन चार प्रोविंसेस पे आप अपना फोकस रखो, क्योंकि बाकी सारे जो प्रोविंसेस है उनका कैप कट चुका है, कम वहाँ पे लोग आ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट की तरह आना चाहते हो। सो फोकस ऑन दीज फोर प्रोविंसेस, मैं अगेन उसके नाम लूंगा, दीज आर न्यूफाउंडलैंड, अल्बर्टा, क्यूबेक एंड सैस्केचवान। सो ये थे कुछ ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हो अगर आप कनाडा आना चाहते हो एंड आप ये चाहते हो कि आपको कुछ आने वाले सालों में PR मिल जाए। सो मेरी ये सजेशन है आपसे कि आप सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज मत लें। एंड अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करने आना ही है तो करंट सिनारियो में आपको मास्टर्स करने आना चाहिए। 2 साल का मास्टर्स थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाएगा एंड हर किसी की उतनी जो कैपेसिटी नहीं होती कि $80,000 की वो फीस दे, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड फॉर एग्जांपल $20,000-$40,000 या किस किस केस में आपको $7,000-$10,000 का भी मास्टर्स मिल रहा है, सो अप्लाई फॉर दैट एंड सी दैट यू कैन कम टू कैनेडा। एंड जो आपका जो सक्सेस फॉर्मूला होता है वो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट विल बी योर बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस एंड योर PR पाथवे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में आपका बैकग्राउंड है एंड उससे रिलेटेड कौन सा आपका PR पाथवे है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस है तो आप हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस लेके, हेल्थ केयर का कोई कोर्स लेके, फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स का कोर्स बताया था पब्लिक हेल्थ में, सो वो कोर्स लेके आपको PR 100% मिल जाएगा। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो PR लेने की थोड़ी कम हो जाएगी, फिर आप एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस जाते फिरोगे जैसा करंट सिनारियो हो रखा है कनाडा का। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए कनाडा में, कोई डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, या इससे रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कनाडा आना चाहते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय।